अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, मैं आपका साथ सुमार खुशामदीद आपको मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप लोग गाइस, बढ़िया सब? तो गाइस आज आपके लिए खतरनाक रील सेव कर रहा हूं जिसमें आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। ऐसी रील्स पे आज हम रिएक्ट करने वाले, बहुत मजा आएगी, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स मैंने चुन चुन के निकालो आपके लिए, मजा बहुत आने वाली है, तो एंड तक देखना। चलो शुरुआत करते हैं ये वीडियो की, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले ये रील्स देखते हैं। ये रील्स मेरे को कसम से बहुत ज़्यादा मतलब हंसा था कि मेरा पेट दर्द हो गया। ये रील्स बहुत भारी है, आप ये देखिए। वो भागा ऐसा है जैसे कि उसके पीछे कोई जंगली जानवर आ गया, वो इतनी तेज भागा है, रिप आ रिप लिया है। तो चलो अब देखते हैं दूसरी रील्स। बंदे का दिमाग ये अरबी लोग इतने कॉमेडी होते ना, सीरियसली बेचारे को पता उल्टा घुमा डाले। ये नहीं करना था। ये दुनिया में नशेड़ी लोग कुछ भी कर सकते, लिटरली कुछ भी। उसने नागिन साहब को टपली मार दिया। यार कुछ भी हो सकता है, नशेड़ी लोग इस दुनिया में कुछ भी कर सकते लिटरली। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट रील पे। भाई साहब दे रहे हैं, समय लगता है वहाँ पे। भाषण चल रहा है और वहाँ भाई साहब वहाँ पे भाषण चल रहा है और वहाँ पे सब लोग बैठे और गुटखा खा रहे और वो गुटखा खा रहे। सबको लगा कि ना तालियां बजनी, तो सबने तालियां बजाना चालू कर दी। यार सीरियसली क्या क्या होता है ना इंडिया में। तो अभी है जिंदगी में सक्सेस होने के लिए छोटा सा मोटिवेशन, तो चलो ये वीडियो देखते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना मेरे भाई, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर हम दिन भर इंस्टाग्राम चलाना है मेरे भाई, तो इंस्टाग्राम की आईडी तो होनी ही है, हमारे फेल तो होना ही है, इसीलिए तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। जिंदगी में एक काम या काफी मेरे भाई, अगर हमारी जिंदगी बोट हो जाएगी मेरे भाई, तो आपको साथ लड़की में ही करना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, इसलिए मैं भाई बोल रहा हूँ। मैं पढ़ना है ना भाई, तो पढ़ लो ना मेरा भाई। इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट करेगी तो भाई बंद हो जाएगा ना भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान। भाई बोलना क्या चाहता है मुझे भी समझ में नहीं, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में आया। तो गाइस ये अंकल ना शायरी बहुत एक से एक बनाते हैं और शायरी के बीच में एक अलग से ट्विस्ट लाते हैं, तो मैंने इनके 2-3 वीडियो सेव किए, ये वीडियो एक बहुत अच्छा है, तो चलो देखते हैं फिर। इसमें बहाना बंद कीजिए, ईद का दिन है। शहर में जाके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। अनाज ना था घर में, वाह, सिर्फ पानी पी के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैंने इसकी 2-3 वीडियो देखा हूँ, यह शायरी में ऐसी कुछ ट्विस्ट लेके आता है और मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बोलता है ना कि मतलब इंसान हंस हंस के पागल हो जाए। धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। अनाज ना था घर पे, सिर्फ पानी पी के सो गई। अनाज ना था घर पे, सिर्फ पानी पी के सो गई। शायरी
शायरी बनाता है बहुत अलग अलग तरह की, बहुत मजा आती है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा शायर है, आप इसे फॉलो जरूर करिए। तो ये है स्पेशल मैसेज फॉर सिगरेट लवर्स, तो देखते हैं क्या है अभी। एक मौली साहब बोल रहे थे कि जन्नत में सब मिलेगा जी, उन्हें पूछा करते मौली साहब सिगरेट मिलेगा क्या है, उन्होंने बोले करते मिलेगा बाबा लेकिन सुलगाने के वास्ते जहन्नम को जाना पड़ेगा। बोले बस जलाने के लिए आपको जहन्नम जाना पड़ेगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट रील। आपका कलिंगर बेचने का टेक्निक देखो, लाल है माल है, लाल है माल है। शी तुम मेरी फीलिंग समझते ही नहीं, हर फीलिंग। चलो देखते हैं। यार ये कहाँ से इन लोग लाते हैं, कहाँ से मतलब कहाँ से इन लोगों को इतना सरकास्टिक माइंड आता है, आई डोंट नो यार। चलो तो फिर नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं। यार जब नहीं होता है झूले पे चढ़ना तो चढ़ते क्यों हो, बंदे ने लास्ट में इन अल्लाह राजून भी बोल दिया। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट रील्स। आयुष मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम्हें उसका सही उत्तर देना है, ठीक है? पांच में से पांच घटाएंगे तो कितना बचेगा? मिल गया जवाब। ये बताओ तुम्हारे पास पांच भटूरे हैं, कितने भटूरे हैं? अगर पांचों भटूरे हमने ले लिया तो तुम्हारे पास क्या बचा? बच्चा फुल लेजेंड है भाई, सर की उसने फुल ले डाली। आजकल के बच्चे लोग भी ना भाई बहुत एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अंकल के तो नेक्स्ट रिल्स देखते चलिए। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, अगर कोई और मिल गई है तो साफ बोलो। साफ। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, इग्नोर करो तो साफ बोलो। तो बंदे ने बोला सिर्फ साफ। कहाँ से आते हैं ये लेजेंड्स लोग, कहाँ से? ते है दूसरी रील्स। अभी तक अगर आपको मजा आई तो चैनल पे ठोको लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप भी ये रील्स देख के हंसे या नहीं, कमेंट जरूर करना। चलो चलते नेक्स्ट रील पे। अभी देखते बरसात के मौसम में हॉस्पिटल का हाल। तो इंजर्ड पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर हेल्प कर रहे हैं। और गया वो यार, वो हॉस्पिटल में ठीक होके निकला था या हॉस्पिटल के बाहर खराब होने निकला था, क्या बोल रहा हूँ? हॉस्पिटल में बाहर वो बेचारा ठीक होके आया और डॉक्टर ने ही उसकी बारी हड्डी पसली तोड़ दी। चलते हैं अभी नेक्स्ट रील्स पे।
आंटी डर गई, आंटी डर गई. दैट्स वाई इसमें लिखा है हर सोल लेफ्ट हर बॉडी फॉर अ मिनट. और गए फिर से हमारे आ गए शायर चाचा, तो चलो सुनते हैं इनको वापस से. होते पैसे तो तुझको खिलौने देता, वाह, होते पैसे तो तुझको खिलौने देता, होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, वरना क्या मैं अपने बच्चे को रोने देता, हाय 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 हाय, वरना क्या मैं अपने बच्चे को रोने देता, बाप है तो सच्चा है हर सपना, वाह, मैं नागन डांस नचना, मैं नागन डांस नचना. स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छी अच्छी शायरी बनाते हैं, जैसे कि बहुत इमोशनल वाली, फिर बीच में सब तड़का मारते हैं ना. मजा आ जाती है, मजा. तो देखते हैं अभी नेक्स्ट रील्स. मी टू माय फ्रेंड्स, भाई कुछ भी बोल देना वाइवा में, बस चुप मत रहना, मार्क्स मिल जाएंगे, ले माय फ्रेंड्स इन वाइवा. तो चलो देखते हैं अभी. अपने कंट्री का नाम बताओ तो. नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी गलत बोल रहा है, क्या कंट्री का नाम कंट्री के नाम के लोग ने धज्जिया उड़ा दी गाइस. एक ने नरेंद्र मोदी बोला, एक ने हिंदी इंग्लिश और मैथ्स बोला. That's why education is important, guys. तो ये अगर वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो पढ़िए, वरना ऐसी हालत होगा. हिंदी इंग्लिश, कंट्री का नाम हिंदी इंग्लिश बोलोगे आप. तो लेट्स सी नेक्स्ट रील्स. दर्शित देर में कृष्णा रोनाल्डो. दादा दादा कृष्णा रोनाल्डो. ये विलेज के बच्चे लोग ने तो एडुकेशन की धज्जिया उड़ा के रखती और ऊपर से रोनाल्डो की भी धज्जिया उड़ा डाली. चलो देखते हैं आज की लास्ट रील्स. इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है, लड़कियों की कोई गलती नहीं है, बट फिर भी आप देखिए. दीदी पार्किंग दुकान के अंदर लगाने आई थी या पार्किंग स्टैंड पे? दीदी पार्किंग साइड पे लगाने आई थी, पार्किंग दुकान के अंदर. सॉरी गर्ल्स, बट ऐसा ई ना चौल बे गाइस. तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा. तो मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो पे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा. तो फिर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर अमान अल्लाह, बाय बाय.